डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन। देखिए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आएगा 4i माइनस जे प्लस 3k और बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस 2i प्लस जे माइनस 2k। कंप्लीट। उसके बाद देखो, वेक्टर परपेंडिकुलर, या पूरा भी लिख सकते हो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ऐसे ही लिखोगे। भाई आपको बताया था ना कि ए क्रॉस बी है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के परपेंडिकुलर है, और इसको आप क्या लिखोगे, आई जे और के। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ए का क्या आएगा 4 माइनस 1 और 3, और यहां क्या होगा -2 1 और -2। इसे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। ये आपको अपने से सोल्व करना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अगली लाइन देखिए, इसके इस लाइन के बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी और अपोन में क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही होगा क्या नहीं होगा, तो बोलो आई किसका, माइनस का प्लस 2j प्लस 2k, अपोन में क्या होगा रूट में, यहां क्या होगा -1 का स्क्वायर। मैं इसको हटा देता हूं नीचे वाले को। मैं उम्मीद रख रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने 13.2 और 1 को ढंग से पढ़ा है तो, और अगर उनको अच्छे से नहीं करा तो आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उसका रिवीजन करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपोन में रूट का, ये क्या हो गया 9, और ये क्या होगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपोन में 3। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद देखिए, नाउ यूनिट वेक्टर, नाउ यूनिट वेक्टर नाउ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स विल बी क्या होगा, 9 और आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी अपोन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमने 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, देखना ध्यान से उसको। तो आप उसके आगे देखिए कैसे होगा। देखो, जो पढ़ा दिया उसी पर ही बेस्ड है सारा, 9 और यहां पे क्या होगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपोन में 3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, अब मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3i प्लस 6j और प्लस का 6k, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपने इस अच्छे क्वेश्चन को सोल्व किया, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही।